गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल जो है 10th और 12th क्लास के मैथ्स के वीडियो के लिए है। और वो स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे RBSE हो, चाहे CBSE हो, सभी टाइप के स्टूडेंट के लिए ये यूट्यूब चैनल है 10th और 12th क्लास के लिए। तो जो स्टूडेंट 12th क्लास में है और वो वीडियो मेरा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास का डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद में इसके 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। आज 4th वीडियो इसका अपलोड कर रहा हूं। तो 3 वीडियो जो है उनमें फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसके फॉर्मूले बताए थे, डिफरेंशिएशन का बेसिक बताया था, एक दो क्वेश्चन बताए थे। फिर उसके बाद में ये जो चैप्टर जो है आपकी बुक का 7th चैप्टर है RBSE का, तो 7th चैप्टर में 7.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी थी और आज 7.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? 7.2 वो। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरा पहले वाले 3 वीडियो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखें, तब आपकी समझने में इजी रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। तो 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि y = sin inverse 2x √1 - x². ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये 7.1 के डिफरेंशिएशन अलग टाइप के थे, 7.2 के डिफरेंशिएशन अलग टाइप के हैं। तो इन डिफरेंशिएशन में हमें ये करना है कि एक तो हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन जो था वो ये था 1 √1 - x², ये फॉर्मूला था। लेकिन ये फॉर्मूला जब हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे एक्स होना जरूरी नहीं, यहाँ देखिए कितना ज्यादा आ रहा है 2x √1 - x², तो अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आप ये लिखोगे कि लेट x = sin θ, x को क्या पुट करना है, sin θ पुट करना है। तो x को sin θ पुट करना है तो उससे क्या होगा, देखिए y = sin inverse ये हो जाएगा 2 sin θ √1 - x² है, तो ये क्या होगा sin²θ होगा। हमने क्या किया, लेट x = sin θ, जहां x है वहां sin θ पुट कर दो। अब देखिए ये आगे क्या बन जाएगा, y = sin inverse 2 sin θ, 1 - sin²θ क्या होता है cos²θ, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos θ बन जाएगा। अब देखिए क्या बन गया, ये y = sin inverse 2 sin θ cos θ, तो 2 sin θ cos θ किसका फॉर्मूला होता है, sin²θ का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, sin²θ का, सब लोग जानते हो, ये क्लास में आपका पढ़ा हुआ है। अब देखिए sin इनवर्स और sin, ये दोनों हट जाएंगे यहां से, तो यहां y = क्या आ जाएगा 2θ आ जाएगा। तो अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया, y = 2θ बन गया। तो स्टूडेंट ये देखिए, यहां मैंने लिखा था लेट x = sin θ, तो इससे आप ये भी लिख सकते हो sin इधर आ जाएगा तो sin इनवर्स x, x = क्या होगा sin θ होगा, इसको ध्यान से देख लेना। अगर x = sin θ है तो sin इनवर्स x = क्या होगा θ होगा, तो θ को यहां पे वापस पुट कर दो तो y क्या बन गया sin इनवर्स θ बन गया। यहां पे क्या था, ये 2 था, ये 2 sin इनवर्स x बन गया, ये क्या बन गया θ की जगह हमने क्या पुट कर दिया sin इनवर्स x पुट कर दिया, y = बन गया 2 sin इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का क्या होगा dy / dx 2 sin इनवर्स x, तो 2 तो यहां पे ऐसे कैसे रह जाएगा, sin इनवर्स x का क्या होता है 1 √1 - x², मतलब और हम ये लिख सकते हैं dy / dx इसका क्या हो गया 2 √1 - x², ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट करते तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, लेंथी हो जाता, उस तरीके से करना भी नहीं है आपको। आपको x को sin थीटा पुट करके 7.2 के जो भी क्वेश्चन है इसको इस तरीके से, अब ये है कि भाई आपको क्या पता चलेगा क्या पुट करना है, तो भाई आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको खुद को अपने आप पता चल जाएगा कि भाई कहां पे sin थीटा पुट करना है, कहां पे cos थीटा पुट करना है। यहाँ पे देखिए sin थीटा पुट करोगे तो 2 sin थीटा और अगला cos बनेगा तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इधर sin है, इधर sin है तो इधर भी तो sin बनना चाहिए ना, तभी तो दोनों हटेंगे यहाँ से। अगर यहाँ sin है इधर cos बन जाएगा तो हटेगा कैसे, इसलिए इन दोनों को सेम बनाना है, तो सेम बनाना है तो आप क्वेश्चन
करोगे तो आपको अपने आप आइडिया लगता चला जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन और करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये क्या है 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां भी आपको क्या करना है, x को sin थीटा पुट करना है। लेट x इक्वल टू sin थीटा, x को sin थीटा जब पुट कर दिया तो यहां से आप ये भी साथ में लिख दो, थीटा इक्वल टू क्या होगा sin इनवर्स x होगा। तो यहां पे पुट कर दो y इक्वल टू sin इनवर्स x की जगह क्या पुट कर दें sin थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो अब फ्रेंड्स जिनका 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। अब ये देख लो किसका फॉर्मूला बन गया, sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना ये, तो sin 3 थीटा, तो y इक्वल टू sin इनवर्स, यहां पे क्या लिख देता हूं मैं sin 3 थीटा, ये लो sin 3 थीटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया ये, sin sin से sin अब कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा को क्या पुट करोगे sin इनवर्स x, तो y इक्वल टू आ गया sin इनवर्स x आ गया, और y इक्वल टू sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो यहां पे देख लो इन दोनों में क्या करना है, x को sin थीटा पुट करना है, sin थीटा पुट करके सॉल्व करना है, डायरेक्ट इनका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। तो ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे फर्स्ट और सेकंड अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको मिल जाएगा, नहीं आपको पता नहीं रहेगा तो वीडियो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते हैं इसके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मेरे को लगता है जो भी आप देख रहे हैं सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा, सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर ए है वो है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, देखिए इसमें जो 2 के a और b दो क्वेश्चन है और इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ x बिलोंग्स टू 1 माइनस ये माइनस 1 टू 1, ये x के लिए है माइनस 1 टू 1 तक है। तो cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो अब देखिए जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या पुट किया था sin थीटा पुट किया था, तो यहां बोलो sin थीटा पुट करेंगे तो ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे x को पुट कर दो, लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दो क्योंकि ये tan का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अभी पुट करता हूं आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाएंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, cos इनवर्स sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है ये, sin 2 थीटा का tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन गया ये sin 2 थीटा का, क्योंकि यहां cos में तो बन नहीं रहता। अब यहां देखिए यहां cos है और यहां sin है, जबकि मैंने आपको ये कहा था कि दोनों सेम बनने जरूरी है तो इस sin को cos में चेंज करो, तो देखिए sin को cos में चेंज करना है तो sin थीटा इक्वल टू ये भी तो होता है ना cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा ही होता है ना, तो यहां cos को sin को cos में इस तरह से चेंज करेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स, इसको लिख दें sin की जगह लिख दिया cos 90 माइनस 2 थीटा, इस तरह से लिखना पड़ेगा ये। तो अब देखिए अब ये cos बन गया, तो अब ये cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू और 90 को अगर रेडियन में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, ये तो cos से cos कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, तो थीटा को पुट कर दो, थीटा क्या होगा tan इनवर्स x होगा, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2, थीटा क्या है tan इनवर्स x है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x इक्वल टू tan थीटा बन गया, तो x को क्या पुट कर दिया हमने इसको थीटा को tan इनवर्स x पुट कर दिया y इक्वल टू, तो y का क्या होगा dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पाई अपॉन 2 क्या है कांस्टेंट है, माइनस 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर,
स्क्वायर, ये माइनस रहेगा, ये 2 यहां पे रहेगा, 10 लिमिट्स का वर्गमूल 1 प्लस x स्क्वायर ये होता है। तो यहां पे dy / dx आ गया -2 / 1 + x स्क्वायर। तो स्टूडेंट मेरे को लगता है सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में इसका b का जो है, इसका b जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है, देखिए cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर। b क्या है, y = cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको वो फॉर्मूले याद रखने, एक तो sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, tan 2 थीटा का, ये tan की फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले जिन लोगों को नहीं पता, एक बार भाई 11th की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें पहले फॉर्मूले पूरे रिवीजन कर लेना, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहां मैं सारे फॉर्मूले बताऊंगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। x = क्या पुट कर दो, tan थीटा पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, y = cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब आपको पता होगा ये किसका फार्मूला है, tan की फॉर्म में cos 2 थीटा का ही तो फार्मूला है, ये y = cos इनवर्स किसका फार्मूला है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए समझ में आ गया ना स्टूडेंट, समझ गए ना सब लोग, cos 2 थीटा का फार्मूला ये tan की फॉर्म में, तो y = क्या बन गया, 2 थीटा बन गया, और y = थीटा को क्या पुट करोगे, x = tan थीटा है, लेट x = tan थीटा, तो थीटा = क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x, तो यहां पे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, तो y = क्या बन गया, 2 / 1 + x स्क्वायर। हमने क्या किया, यहां पे डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y = 2 tan इनवर्स x, तो ये क्या होगा, इधर dy / dx, dy / dx 2 / 1 + x स्क्वायर। तो ये सेकंड का a और b हो गए, ये तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपके किस तरीके से, आप थोड़ा-थोड़ा समझ में लगे होंगे कि 7.2 एक्सरसाइज ये क्वेश्चन किस तरह से प्रूव करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का a है cos इनवर्स 4x / 3x। तो अब स्टूडेंट आप इसको देख के समझ गए होंगे कि इस x को अगर sin पुट कर दें, ये सॉरी cos पुट कर दें, तो 4 cos 2 थीटा, तो cos 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है ना, तो क्या करना है, लेट x = क्या पुट करना है, cos थीटा, cos थीटा पुट करोगे और थीटा = क्या होगा, cos इनवर्स x होगा। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, y = cos इनवर्स 4 cos cube थीटा - 3 sin थीटा, ये ऐसे बन जाएगा ये। तो फिर y = क्या होगा, cos इनवर्स, ये किसका फार्मूला बन गया, ये यहां पे cos थीटा लिखना था, cos थीटा, तो किसका फार्मूला बन गया, cos 3 थीटा का। तो स्टूडेंट जिनको cos 3 थीटा के लिए फार्मूले नहीं है तो उनको रिवीजन कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में देख लेना। तो y = cos से cos कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा, 3 थीटा, और y = थीटा कितना है, cos इनवर्स x है, तो ये हो गया 3 cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा, dy / dx 3 cos इनवर्स, तो 1 / अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि cos के डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आता है, तो dy / dx क्या आ गया, माइनस का 3 / अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का a हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं 3 का b, तो 3 का जो b जो है वो क्या क्वेश्चन है, cos इनवर्स 1 + x / 2। तो देखिए इसमें भी क्या पुट करना है, cos इनवर्स जो है इसको x को क्या पुट करना है, लेट x = cos थीटा पुट करोगे, इसको क्या पुट करोगे, cos थीटा, तो cos थीटा पुट करोगे तो थीटा sin इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x, तो ये हो गया y = cos इनवर्स अंडर रूट 1 + cos थीटा / 2, ये बन गया। अब आ गया y = cos इनवर्स, अब देखिए cos थीटा का फार्मूला लिखना आपको, cos थीटा का कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला मैंने एक दिन पहले आपको वीडियो में बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 - 1, ये फार्मूला आप सबको याद होगा। ये फार्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 - 1, और ये रहा यहां पे अंडर रूट, अंडर रूट कंप्लीट पे ये 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया,
और ये y इक्वल टू क्या बन गया, cos इनवर्स cos थीटा / 2 बन गई, cos इनवर्स cos थीटा / 2। अब स्टूडेंट आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर यहां पे हम sin थीटा पुट कर देते तो यहां पे cos नहीं बनता, क्योंकि इधर cos है तो इधर भी तो cos बनना जरूरी है, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो ओनली ये cos से बनता है, और sin या tan से आप प्रैक्टिस करके देख लेना, ये नहीं बनता। तभी मैंने cos थीटा पुट किया था, cos से cos कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया, थीटा / 2 आ गया। अब इसका स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करना है, और उससे पहले थीटा को पुट कर दो। थीटा क्या है, cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का क्या होगा, -1/2 और 1/√1 - x² ये इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से थर्ड का ए और बी जो दोनों क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आप एकदम इजी जी है, अब समझ आने लग गए होंगे आपको। तो ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं, क्योंकि शुरू में जो स्टार्टिंग था वो आपको समझ में तो आ ही गया कि क्वेश्चन किस तरह से कैसे करने होते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिख के बताएं, वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कमेंट में आप लिख के बताओगे तभी पता चलेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th का ए, फोर्थ का ए है sec inverse 1/2x² - 1। फोर्थ का ए क्वेश्चन दिया sec inverse 1/2x² - 1। अब देखिए इसमें x को क्या पुट करोगे स्टूडेंट, x को पुट करना है तो ये देखिए यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद में ये क्या बनना चाहिए, cos बनना चाहिए, जिससे न्यूमेरेटर में जाके ये sec बन जाएगा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा। तो क्या पुट करोगे इस x को, लेट सीधी सी बात है cos थीटा पुट करेंगे, क्योंकि 2 cos / थीटा - 1 इसका फार्मूला बन जाएगा। तो x को cos थीटा पुट कर दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो आपको सबको अच्छी तरह से पता है ये किसका फार्मूला बन गया, sec इनवर्स 1/2 cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया, cos 2 थीटा का फार्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, cos 2 थीटा यहां पे क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा बन जाएगा, y इक्वल टू sec इनवर्स और ये क्या बन गया, sec 2 थीटा बन गया। तभी तो cos थीटा पुट किया था, क्योंकि ये cos बना न्यूमेरेटर में आ गया, sec बन गया, sec से sec कैंसिल, y इक्वल टू क्या बन गया, 2 थीटा बन गया, ये sec से sec कैंसिल हो गया, थीटा को पुट कर लो, स्टैंड अप लगता है, आगे सॉल्व कर लोगे आप, बार-बार इतना बताने की जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट b बता देता हूं मैं, b का क्या है, cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x² 1 - x² cos 1 - x² / 1 + x². अब बोलो आप इसमें आइडिया लगाओ क्या करोगे इसको कि ये बन जाए cos बन जाए। तो अभी भी मैंने आपको बताया था cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में फॉर्मूला ये तो होता है कि 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, यही तो फॉर्मूले की बात कर रहे थे। इसका मतलब x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, अंडरस्टूड मैटर है, x इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू cos 1 - tan² θ / 1 + tan² θ, और ये क्या बन गया, y इक्वल टू ये cos इनवर्स था, cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स, और ये क्या बन गया, अबे cos 2 थीटा बन गया, cos से cos कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। और अब आगे आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो स्टूडेंट एकदम इजी थी क्वेश्चन, शुरू में आपको हार्ड लगा होगा, पूरे आप इस जो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि इस तरह के डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आगे के भी कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करना, और ये क्वेश्चन नंबर जो 4th का जो है वो मैंने ए और बी दोनों आपको बता दिए, और उसके बाद में नेक्स्ट जो आगे इसमें जो है वो 5th टोटल इसमें क्वेश्चन है, 7th तक क्वेश्चन है ये। तो आगे के जो क्वेश्चन जो है उनमें अब जैसे 5th वाला है साइन इनवर्स और कोस इनवर्स, ए और बी है, 5th में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7th का जो क्वेश्चन, ये जो 6th वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपके लिए जरूर हार्ड रहेगा। तो ये एक 6th वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जिससे ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो बीच में जो मैंने 5th वाला क्वेश्चन छोड़ा है स्टूडेंट प्रैक्टिस करना, उसकी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ में आ जाएगा। और इसके एग्जांपल है, एग्जांपल की भी आप प्रैक्टिस कर लेना।
तो देखो 6 का a है tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax, 6 का a y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax, 6 का a क्वेश्चन बुक में साथ साथ में मैंने आपको ये बताया था, बुक में साथ में सामने रखना जब आप वीडियो देख रहे हो तो, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए तो बीच में वीडियो को रोक रोक के देखना आप, और एक बुक साथ में होगी तभी तो क्वेश्चन का पता चलेगा, tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस ax, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आप अब देखो आप आपकी ट्रिग्नोमेट्री फटी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा, tan में एक फॉर्मूला लिखते थे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, इस तरह से आप कुछ लिखते थे अगर आपको याद है तो ये उस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b नहीं ले तो कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे a जो है a को पुट कर दें tan थीटा, पुट कर दें a को क्या पुट कर दें tan थीटा, और x को पुट कर दें जैसे थीटा नहीं लेके और कुछ ले देते हैं, और यहाँ पे ले लिया मान लीजिए फाई ले लिया, x को a को क्या पुट कर दिया tan थीटा और x को क्या पुट कर दिया tan फाई पुट कर दिया हमने, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस एक्स, ए किस गए क्या पुट किया tan थीटा, प्लस x किस गए क्या पुट किया tan फाई पुट कर दिया इसको, 1 माइनस tan थीटा tan फाई ये पुट कर दिया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो tan थीटा प्लस tan फाई का ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, आप देख लो जो tan a प्लस b था ना मैंने थीटा और फाई लिख दिया, a और b वो की वही बात है, ध्यान से समझना इसको, तो ये समझ में आ गया होगा इसको, इस तरह से हमने पुट किया अब tan से tan कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया यहां पे थीटा प्लस फाई आ गया, थीटा को पुट कीजिए भाई, थीटा क्या था, थीटा था tan इनवर्स a था, थीटा क्या था tan इनवर्स a, और फाई क्या था tan इनवर्स x था, क्या था tan इनवर्स x था, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे तो आप ये तो लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dy / dx, देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और tan इनवर्स x का क्या होगा 1 / 1 + x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 / 1 + x स्क्वायर, तो सब लोग आप इसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, तो ठीक है स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का जो b जो है b का भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है, वो का वही क्वेश्चन है 2x जो दे रखा है, चलो b का एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4x, ये है ना क्वेश्चन 2 की पावर x प्लस 1 1 माइनस 4x, तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से कैसे करना है स्टूडेंट, ये जो 2 की पावर x प्लस जो है इसको थोड़ा सा मैं आपको अलग से बताता हूं, इसको tan इनवर्स इसको ऐसे लिखो 2 की पावर x * 2 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का ये क्या है स्क्वायर है, 2 की पावर x का ये क्या है स्क्वायर, ऐसे लिखो आप इसको, तो 2 की पावर x का स्क्वायर है, तो 2 की पावर x को यहां पे क्या पुट करोगे आप tan थीटा पुट करोगे, 2 की पावर x को क्या पुट कर दो tan थीटा, उससे क्या फायदा होगा देखिए क्या बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 2x को tan थीटा पुट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से बन जाएंगे, ये क्या था यहां पे थीटा था, तो ऐसा क्यों पुट किया, अब देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला बन गया, ये y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा का फार्मूला बन गया, ये tan 2 थीटा का, तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा को पुट कर दो थीटा क्या होगा इधर से tan इनवर्स 2x थीटा हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो डिफरेंशिएशन क्या होगा dy / dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1 / 1 + x स्क्वायर होता है, तो 2x का स्क्वायर, तो यहां पे मैं 4x लिख देता हूं, ये
अब 2x का अगेन करना है तो 2x का क्या होगा, 2x log 2 हो जाएगा। मैंने यहां थोड़ा स्पीड से बताया, आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a तो होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, तो यहां 2 की पावर x है तो 2 की पावर x log 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो इस वीडियो को एक बार बैक करके वापस दोबारा से देख लेना, अच्छे तरीके से आपके ये समझ में आ जाएगा। ये तो स्टूडेंट अब आज के लिए इतना ही करवाता हूं मैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।